जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तरह तरह कोरोना महामारी को लेकर एक निर्देश गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, वहीं हमारे देश के ऐसे तरह डॉक्टर हों, चाहे पुलिस हों, सफाई कर्मी हों या हमारे पत्रकार बंधु हों, वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को लगातार जो है निर्वहन कर रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ। उसी क्रम में एक पुलिस बात करें तो ये अहम भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, ये एक माँ का रोल अदा कर रहे हैं। माँ के रोल अगर बोले तो ये समझाने का कार्य कर रहे हैं, ये डांटने का कार्य कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करने पर समझा भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, और यदि कोई पीड़ित है, असहाय है, गरीब है, उन्हें भोजन देने का भी कार्य कर रहे हैं। तो ये एक माँ का रोल प्ले हुआ। ऐसे पुलिसकर्मियों को समाज सेवियों द्वारा हौसला अफजाई करने के लिए एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, सोशल डिस्टेंस पालन करने के साथ। इस समय पवारा क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पवारा क्षेत्र में ये यूनियन बैंक का जो है ये बिल्कुल जगह है, ये यहाँ यूनियन बैंक है। और ऐसी जगह पे देखिए थाना पवारा के एक प्रभारी निरीक्षक, थाना पवारा के प्रभारी निरीक्षक क्या नाम है, सैयद हुसैन मुंतजर प्रभारी निरीक्षक पूरा पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कुछ समाज सेवी, चाहे वो सहगल जी हैं और राय जी हैं और क्या नाम है इनका भाई साहब, क्या नाम आपका, संतोष कुमार जी हैं, योगेश जी हैं, योगेश मौर्य जी हैं, ऐसे कई समाज सेवी हैं जो आपका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप देख पा रहे हैं किस तरह ये पवारा की ये पूरे पुलिस बल है, और हम ऐसे देश के सभी पुलिस बल को, पूरे देश के पुलिस बल को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, देश के सभी डॉक्टरों को ज्ञापित करते हैं धन्यवाद, देश के सभी सफाई कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो ऐसे आपातकालीन समय में अपनी भूमिका को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह जो है ये समाज सेवी द्वारा इनका जो हौसला अफजाई हो रहा है, प्रभारी निरीक्षक के साथ में है, पूरे पुलिस बल स्टाफ यहाँ स्वागत समारोह में है। और अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ जो है यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। जो है एक ऐसा प्ले रोल है, एक ऐसा प्ले रोल है जहाँ देखिए कि किस तरह पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते खुद कोरोना जैसे गंभीर बीमारी, गंभीर वायरस से खुद संक्रमित हो जाती है। डॉक्टर हमारा इलाज करते करते खुद अपने परिवार के साथ वो संक्रमण हो जाता है। जो है नर्सेज वो भी कहीं कहीं वो शिकार होती है। तो ऐसे महामारी वायरस में भी किस तरह हमारा आपका सहयोग ऐसे तंत्रों द्वारा हो रहा है, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है हम ऐसे तंत्रों का सम्मान करें और उनका धन्यवाद ज्ञापित करें और उनका हौसला अफजाई करें। उसी क्रम में हमारे कुछ समाज सभी पवारा क्षेत्र के हैं जो उनका हौसला अफजाई करने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष सैयद हुसैन मुंतजर साहब से। आइए सर, जहाँ पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रही है, लोगों को समझा भी रही है, डांट भी रही है, गरीबों को खाना भी खिला रही जो है, तो ये एक माँ का रोल प्ले कर रही है। देखिए पुष्पवर्षा के साथ आप लोग स्वागत हो रहा है, ये समाज सेवी द्वारा पुष्पवर्षा के साथ बहुत बढ़िया सम्मान किया जा रहा है जो है। तो सर ऐसे में जो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अनजाने में नहीं कर पा रहे हैं या ज्ञातम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करते हैं जो है? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक की बात है वो देहातों में तो पूर्ण रूप से लागू है और लोग समझदार हैं, पेपर और टीवी चैनल्स के माध्यम से जागरूकता की जा रही है और वो जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिक्कतें बैंकों में आ रही है, जैसे हमारे थाना क्षेत्र में दो बैंक हैं, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पवारा और दूसरा है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक सरायबीका। तो यहाँ पर पैसे जैसे शासन से पैसा आया हुआ है और उसमें लेने की होड़ को लेके इन लोगों के द्वारा काफी भीड़ इकट्ठा होती है। हम शुरू से ही अपने बैंक की ड्यूटी ठीक 9 बजे यहाँ पर भेज देते हैं, जिसमें एक मुख्य आरक्षी, एक महिला कांस्टेबल, 2 होमगार्ड, इनकी ड्यूटी जो है 9 बजे से लगाई जाती है। और ये शुरू में जब आते हैं ये लोग तभी से इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए रिंग बनवा दिया गया है यहाँ पे, और उस रिंग में ये लोग बैठते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ये ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और सभी लोगों से, जनता से आग्रह कर रहे हैं, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग
आप भी सुरक्षित रहिए और हम आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, इसका ये लोग शत प्रतिशत पालन करा रहे हैं। धन्यवाद थानाध्यक्ष महोदय। देखिए, अगर हम आप सुरक्षित रहेंगे तो यह देश सुरक्षित रहेगा, यह देश सुरक्षित रहेगा तभी हम आप सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा थानाध्यक्ष महोदय जी कहना, थाना पवारा अध्यक्ष जो है। तो हम जो है अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के संदेश देना चाहेंगे जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने साथ इस देश का भी जो है भविष्य जो है वो गर्त में डाल रहे हैं, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, वो एक देशद्रोह के बराबर है। जहां सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, शासन के खिलाफ मनसा के अनुरूप नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल देशद्रोह के बराबर है। हमें वीरेंद्र कुमार अपने सहयोगी पत्रकार राकेश मौर्य के साथ, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर समाचार।